नगर निगम भिलाई के हॉस्पिटल सेक्टर स्थित HVC वॉलीबॉल ग्राउंड में शुक्रवार की शाम HVC भिलाई के दो प्रतिभाशाली खिलाड़ियों कुमारी आकांक्षा एवं कुमारी पलक हिरानी को सम्मानित किया गया। कुमारी आकांक्षा बनाफर HVC और छत्तीसगढ़ राज्य की पहली खिलाड़ी है जिन्होंने इस वर्ष बेंगलोर में भारतीय वरिष्ठ महिला वॉलीबॉल टीम के प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया है। वहीं कुमारी पलक हिरानी पहली HVC वॉलीबॉल खिलाड़ी है जिन्होंने 5 बार छत्तीसगढ़ राज्य वॉलीबॉल टीम की प्रतिनिधित्व किया है और इस वर्ष इन्होंने नीट परीक्षा पास की है। इस अवसर पर MIC सदस्य सिजू एंथोनी, इंद्रजीत सिंह, छोटू विनोद नायर, सुधीर खंडेलवाल सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे इन दो बच्चों की। सच बताऊं तो मैं अभी अपने उद्बोधन में कह भी रहा था कि इन्होंने एक बेंचमार्क तैयार किया है, एक बच्चों के लिए एक आदर्श बने, लोगों के लिए एक उदाहरण बने कि पढ़ाई के साथ साथ खेल तथा खेल के साथ साथ पढ़ाई कैसे हम कर सकते हैं। पलक हिरानी पिछले 5-6 सालों में 5 नेशनल खेली तथा अभी नीट का एग्ज़ाम पास की, बहुत बड़ी उपलब्धि है। नीट का एग्ज़ाम पास करना बहुत आसान नहीं होता, अपने कोचिंग सेंटर से इन्होंने टॉप किया। और दूसरी बच्ची आकांक्षा बानाफर, वो भी पिछले 5-6 सालों से यहाँ हमारे HVC ग्राउंड में ट्रेनिंग ले रही थी। पिछले साल 12th पास करने के बाद वे साई सेंटर ट्रिवेंड्रम में उनका एडमिशन हुआ और इस साल सीनियर इंडियन वुमेन्स टीम के कोचिंग कैंप में उनका नाम आया है। ये कम उपलब्धि नहीं है, इन दोनों बच्चों के लिए हैट्स ऑफ। और ऐसे ही बच्चे हमारे मेहनत करते रहे तो ऐसा दिन दूर नहीं कि हमारे छत्तीसगढ़ वॉलीबॉल एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ वॉलीबॉल टीम एक दिन नेशनल स्तर पर रैंकिंग में आई। ये तो एक, सच बताऊँ तो एक बीमारी है। मैं हर बच्चों को यही बोलता हूँ, बेटा जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो तब तक सिर्फ आपके दिमाग में सिर्फ दो ही बातें होनी चाहिए, पढ़ाई तथा खेल। और ये बच्चों के माँ बाप की भी मैं कहूँगा कि थोड़ी गलतियाँ हैं कि वो बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि भाई बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। थोड़ा सा बच्चों को, थोड़ा माँ बाप की तरफ से भी थोड़ा अगर ध्यान दिया जाए तो बच्चे अच्छे राह पे आ सकते हैं, खेल पे अगर ध्यान देंगे तो अच्छे स्तर पे जा सकते हैं। यहाँ पे जो टीम खेलती है, हमारे विनोद नायर जी हैं, यहाँ कोच हैं, कई वर्षों से देख रहा हूँ उनको। पहले हुडको क्लब में किया करते थे और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कोचिंग करके आज इंडिया टीम में ले आए, ये उनकी उपलब्धि है। उनके साथ हमारे भाई धारकर जी हैं, सभी यहाँ के जो वरिष्ठ जो लोग हैं इनको जो ट्रेनिंग दिए हैं। और साथ साथ में बच्चे सेकंड जो बिटिया उसका नाम क्या है, पलक जी हैं, यहाँ पढ़ते पढ़ते उनके नीट भी क्लियर कर ली है। भिलाई में भिलाई एजुकेशन हब है, साथ साथ खेल का भी हब है। ये आज हमको समझ में आया, सबको समझ में आता है कि पढ़ने के साथ साथ यहाँ खेल की भी जो प्रतिभा है तो देश विदेश में यहाँ के बच्चे नाम कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा वो है, साधन है खेल, जिससे बच्चा मोबाइल इससे सब दूर रहता है, खेलता है, अपना ये सब चीज़ से गलत कामों में नहीं रहता। सर सिर्फ वॉलीबॉल नहीं सिखाते हैं, सर हम लोग को लाइफ के बहुत सारे लेसन्स भी सिखाते हैं जो हमें थ्रू आउट दी लाइफ बहुत काम आने वाले हैं। आज मैं यहाँ पे हूँ जितना भी है पेरेंट्स की वजह से और विनोद सर की वजह से। अभी जहाँ तक भी मैं पहुँच पाई हूँ वो सब विनोद सर और मेरे पेरेंट्स के लिए है। अभी सर मुझे स्टार्टिंग से बोलते थे कि प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रह के सर हम सबको बुलाते थे मगर वहाँ का हम आते नहीं थे, क्योंकि हमें लगता था जितना है उतना हो जाएगा। बाहर जाने के बाद पता चला कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बस अब जैसे हम जैसी प्रैक्टिस चल रही है हमारी, वैसे अब सीनियर लेवल का कैंप हमें जैसे मिला, वैसे हम और थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो सीनियर लेवल में आ सकते हैं। सहयोग जैसे सारे जितने कोचेस हैं वो हमें बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, हमें गेम को लेके, पढ़ाई को लेके, सब को लेके, कि दोनों बैलेंस होना चाहिए। उसके लिए हमें वो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देते हैं क्योंकि सिर्फ खेल के साथ आप एक लेवल तक ही जा सकते हैं। अगर आपकी दोनों चीज़ रहेगी तो आप थोड़ा ज़्यादा आगे। उनके लिए कि एक वो लाइफ ही होती है, हम जिस एज में हैं सबकी वैसी लाइफ होती है, तो उन सब चीज़ को आप बैलेंस करके जितना चल पाएंगे, स्पोर्ट्स, पढ़ाई, सब को लेके, वो एक बैलेंस वे में होना चाहिए। गुड इवनिंग, मैं पलक हिरानी। मैं वॉलीबॉल स्टार्ट की जब मैं क्लास 8 में थी। मैंने 5 नेशनल खेले हैं। ये सारी चीज़ों का क्रेडिट सिर्फ सर को रहता है, विनोद सर को। वो मेहनत जो सर ने हमारे पीछे की है, वो एक एक बच्चे को तलाशने में जो सर मेहनत करते हैं, आई डोंट थिंक सो कि कोई इतनी मेहनत कर सकता है। और उसके लिए हम सर का दिल से धन्यवाद करते हैं। इवन मेरी नीट की जर्नी में भी जब मैं ग्राउंड में कंटिन्यू नहीं थी तब भी सर का मेरे पास फ़ोन आता था, मेरी पढ़ाई से रिलेटेड मुझसे पूछते थे। सर ने हर चीज़ में सपोर्ट किया, सिर्फ वॉलीबॉल नहीं, ओवरऑल हर चीज़, किसी भी टाइप का कोई भी इशू, सर का सपोर्ट हमेशा रहा। हाँ, वो निकालना पड़ता है,
जब कुछ करना होता है तो उस चीज़ का डेडिकेशन आता है। वॉलीबॉल में क्यों ना हो, जब हम खेलते भी हैं तब भी डेडिकेशन से खेलो तो खुद ही सारी चीज़ें होती हैं, मेहनत करनी पड़ती है, बाकी तो